21वीं सदी में औद्योगिकी पर आधारित विकास एक वास्तविकता बन चुकी है। इसका प्रभाव हमारे जीवन के हर पहलू पर दिखाई देता है, तो फिर बैंकिंग इससे अछूता कैसे रह सकता है? आज सच्चाई ये है कि बैंकों का विस्तार दूर दूर तक फैल चुका है, और आज स्थिति ये है कि कम से कम शहरों का आम आदमी भी बैंकों की सुविधाओं का लाभ उठा रहा है। बुनियादी सेवाओं के अलावा बैंक छात्रों के लिए विशेष बचत खाते, अध्यापकों के लिए ऋण, व्यवसायियों के लिए वित्तीय सहायता, सेवानिवृत्त और बुजुर्गों के लिए पेंशन की सुविधाएं दे रही है। कोर बैंकिंग के कारण बैंक सुविधाओं के वितरण में काफी बदलाव आया है। अब किसी भी शाखा का ग्राहक किसी भी शहर में बैंक की किसी भी शाखा में जाकर अपने खाते का संचालन कर सकता है। बैंकिंग अब हर एक के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स की तकनीकी क्रांति ने बैंकिंग के क्षेत्र में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। इन कार्डों और ई बैंकिंग के माध्यम से हम अपने लेन देन घर या ऑफिस में बैठे बैठे आसानी से कर सकते हैं। इतनी आश्चर्यजनक प्रगति के बावजूद दिहाड़ी मजदूर, घर में काम करने वाले, सब्जी बेचने वाले, धोबी, मिस्त्री, प्लंबर जैसे अनेकों को बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी नहीं है। वास्तव में समाज के इस वर्ग को बचत करने और समझदारी से भविष्य के लिए निवेश करने की आवश्यकता है, पर सच्चाई ये है कि ये कमजोर वर्ग अभी भी बैंक की सुविधाओं और सेवाओं का पूरा लाभ उठाने से कोसों दूर है। हमको भी ज़रूरत है खाता खुलाने का, लेकिन बहुत मगजमारी रहता है, इसके लिए नहीं खुला पाता हूँ। जी, मेरा नाम सैयद भाई है। हम लोग चप्पल का काम करते हैं, और बैंक का समय और हमारा काम का समय एक ही जैसा होता है, इसलिए हम लोग बैंक में नहीं जा पाते हैं। मैं पेद संगम पेर उमा महेश्वरी। मैं अंत मुझे कुछ कष्टाला मेमी लोन दी 50,000 अस्कना पावल वडी की నేను అప్పులన్నీ కట్టుకొని నేను కూరగాయల దుకాణం పెట్టుకొని బిడ్డలు చేసుకొని బతుకుతున్నాను। ताई मला भी वाटते बँकेत आपलं खातं असावा, पण आपल्या कामाच्या आणि वेळ भेटत नाही, आणि बायकांकडे पैसे ठेवायचे ते अचानक आपल्या कधी वेळोवेळी अडचण आली, कधी काय झालं तर आपल्याला मागायला भी प्रॉब्लेम येतो ना, म्हणून असं मला वाटतं आपण बँकेत खातं काढावं। भारत में ऐसे लाखों सुखिया, धनीराम, रामू और माला है जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित है। क्या इन्हें अपनी कठोर मेहनत की कमाई का सही उपयोग नहीं समझना चाहिए, खास तौर पर आवश्यकता या मुसीबत आ पड़ने पर? क्या इन्हें हमेशा साहूकारों के चुंगुल में फंसे रहना चाहिए, और क्या दो वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय विकास का लाभ धनवान और निर्धन दोनों को एक समान रूप से मिलना चाहिए। बैंक की सुविधाएं इन तक भी पहुंचनी चाहिए, ये इनका अधिकार है। लुकिंग टू द कंडीशंस इन विच दीज पीपल वांट अ बैंकिंग अकाउंट, द बैंक हैज कम आउट विथ मॉडल्स लाइक ब्रांचलेस बैंकिंग। द ब्रांचलेस बैंकिंग एड्रेसेस द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीपल लाइक व्हाट यू हैव जस्ट हर्ड अबाउट, व्हाट यू हैव सीन। द ब्रांचलेस बैंकिंग इज डिपेंडेंट अपॉन a banking correspondent appointed by the bank through his agents will go to the doorsteps of all those who have not been reached as yet to bring them into the banking fold. We are engaging these services. They will go help opening of an account. After opening of an account, through the biometric cards issued to them, it is possible for them to operate upon the account, like deposit or withdrawal of amounts from the account. So also enable them to remit monies to another person, another account. So also the microcredit, when they require small amounts of credit facilitated along with the insurance product. This is a comprehensive view that a person will have when he opens a banking account. This is what the bank does in this outreach program. Rashtrapita Mahatma Gandhi ne kaha tha ki asli Bharat to gaon mein basta hai।
72,000 बैंक शाखाओं के माध्यम से देश के 6,00,000 से अधिक गांवों तक पहुंचना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है। गांव की जनता को वित्तीय विकास में शामिल करना एक चुनौती है। इसके लिए एक ऐसी तकनीक की आवश्यकता है जो सुरक्षित हो, उपयोग में आसान हो और साधारण ग्रामीण जनता के लिए विश्वसनीय हो। जनता के वित्तीय समावेशन के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का वित्तीय समावेशन विजन अत्यंत स्पष्ट है। औपचारिक वित्तीय संस्थागत बैंकिंग सेवाओं से अब तक वंचित लोगों को वहनीय लागत पर निरंतर वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हुए उनके जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु प्रतिबद्ध। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग का एक नया मॉडल तैयार किया है जो समाज के उन लोगों के लिए है जो अपने पिछड़ेपन के डर से बैंक की सुविधाएं लेने से हिचकिचाते हैं। बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड की तकनीक से बैंक उन लोगों तक पहुंच रही है जो बैंक तक आने में असमर्थ हैं। इसे ही ब्रांचलेस बैंकिंग कहते हैं। ग्राहक अपने बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड के जरिए बैंक में गए बिना अपना खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन भी कर सकते हैं। ये कार्ड एक सामान्य एटीएम कार्ड जैसा ही दिखता है जिसके माइक्रोचिप में आंकड़े सुरक्षित जमा हो जाते हैं। ग्राहक की पहचान उसकी उंगलियों की निशान से होती है। उसे न कोई हस्ताक्षर करना होता है, न कोई नंबर याद रखने की मुसीबत। ये कार्ड ही उनकी पासबुक है। जब जरूरत हो तो ग्राहक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी प्रतिनिधि से संपर्क कर अपनी सुविधा के अनुसार लेन देन कर सकते हैं। बैंक खाते में जमा राशि पूरी तरह सुरक्षित है। ग्राहक अपना पैसा बिना बैंक में गए और बैंकिंग समय के बाद भी निकाल सकते हैं। स्मार्ट कार्ड तकनीक और प्रतिनिधियों के फैले हुए जाल की मदद से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचलेस बैंकिंग के 3,000 केंद्रों के जरिए 20,00,000 से अधिक ग्राहकों की सेवा कर रही है। ये केंद्र आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, दिल्ली, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में स्थित है, जहां इस प्रकार की बैंकिंग सेवाओं ने ग्राहकों में अच्छे जीवन की आशा की ज्योत जलाई है। इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है और इस प्रौद्योगिकी में निपुण संस्थाओं को नियुक्त किया है। रिजर्व बैंक कंप्यूटर, मोबाइल तथा अन्य नए तकनीकों के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है। स्मार्ट कार्ड तो अपने आप में एक नई क्रांति है। एक प्रौद्योगिकी प्रदाता की सहायता से हमने इस योजना को वाराणसी के पास चंदौली जिले के चहनिया गांव में पहली बार परखा। सफल परीक्षण के बाद हमारी बैंक ने इस पर काम शुरू कर दिया। एक 3 साल पहले हम चहनिया गांव आए थे, उस दिन हम ये जो कार्ड, जो बायोमेट्रिक कार्ड जो आज दिया है, इसका सबसे पहले पूरा इंडिया के अंदर इधर ही शुरुआत किया था, चहनिया गांव में। तब मैंने दो चीज़ बताया था, एक कि शहर में हम सबको ऐसा एक कार्ड मिलता है, इसको हम डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के से जाना जाता है, इससे हम एटीएम में जाके पैसा ले सकते हैं, दुकान में जाके पैसा ले सकते हैं, मगर एक कार्ड आके बहुत ज़्यादा साल नहीं हुआ है। और 3 साल पहले हम ये बताया था कि वही सुविधाएं हम छोटे छोटे गांव में लेके जाने का कोशिश करेंगे। ये जो बायोमेट्रिक कार्ड है, इससे जो सुविधा मिलता है वो शहर में जो मिलता है उससे भी ज़्यादा है, इसीलिए कि आपके ही गांव में आके पैसा देने का, पैसा लेने का और इसमें ऋण देने का और इसमें जो इंश्योरेंस देने का, या अपने ही भाई जो मुंबई में काम करते हैं वो अपने परिवार के लिए अगर पैसा भेजना हो यही कार्ड के ज़रिए भेजने का, ये सब उपलब्धियाँ इसमें हम 3 साल के अंदर आप सबको देने का कोशिश किया है कि यूनियन बैंक के तरफ से अगले 3 साल के अंदर
50,000 गांव तक हम ये सुविधा देने का कोशिश करेंगे। अब तक 20 लाख से अधिक बायोमेट्रिक कार्ड जारी किए जा चुके हैं। नई तकनीक को अपनाने से हमें उन क्षेत्रों में भी सफलता मिली जहां हमारी शाखाएं नहीं है, और इसका लाभ बैंक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहता है। इस मॉडल की सफलता के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया निरंतर नए नए प्रयास कर रही है। हम भारत की ग्रामीण जनता को बैंक की बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। हम लोगों के साथ बातचीत करके उनकी शंकाओं का समाधान करते हैं और उन्हें बैंक में खाता खोलने और उसके संचालन करने की पद्धति सिखाते हैं। उनका धन इस प्रणाली में पूर्णतः सुरक्षित रहता है, और खाता खोलने के बाद उन्हें अन्य कौन सी सुविधाएं मिल सकती है इसकी हम जानकारी भी देते हैं। बैंक ने माइक्रो क्रेडिट प्रोडक्ट्स जैसे कि सौभाग्य, भाग्य, कल्पतरु और कामधेनु आरंभ किए हैं। इन योजनाओं के तहत 3,000 जैसी छोटी राशि से प्रारंभ कर 50,000 तक का ऋण उपलब्ध हो सकता है। इसका भुगतान ग्राहक अपनी आय प्रणाली के अनुसार साप्ताहिक या पाक्षिक किश्तों में कर सकते हैं। पैसे एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की सुविधा देकर बैंक ने एक और ठोस कदम उठाया है। अपने प्रियजनों को पैसा भेजना अब बहुत ही सरल हो गया है। पैसा भेजने वाला अपनी सहूलियत से बैंक के प्रतिनिधि से मिलकर सारी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। न लंबी कतार में इंतजार, न दिन की आय की हानि। इन सुविधाओं के अलावा बैंक सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की ओर से भी लाभार्थियों को धन का भुगतान करता है, जैसे NREGA, ग्रामीण रोजगार योजना की मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा पेंशन और NDDB को दूध सप्लाई की कीमत। ये सारे भुगतान किसी सुविधाजनक स्थान पर या ग्राहक के घर पर भी किए जा सकते हैं। बैंक अपनी ब्रांचलेस बैंकिंग का लाभ 200 ग्रामीण ज्ञान केंद्रों और RSETI की वित्तीय साक्षरता परामर्श केंद्रों के जरिए प्रदान करता है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मैंने अकाउंट खोला हूँ और डेली पैसे डालता हूँ। मेरे पास पैसा अभी बचत भी होता है, डेली डालता हूँ, और मेरे को एक बार लोन भी मिल चुका है, एक दो बार लोन ले चुका हूँ। यूनियन बैंक के एक फिनो कार्ड से इधर से बैठे बैठे पैसा डाल सकता हूँ, इधर से बैठे बैठे निकाल सकता हूँ, गांव पे भी भेज सकता हूँ। बैंक में जाने की जरूरत भी नहीं, यहाँ पे सब काम हो जाएगा, बैंक का पूरा काम हो जाता है। एवढे दिवस माझे पैसे घरी राहायचे, आता बँकेचं खातं खोलल्यामुळे माझे पैसे सुरक्षित राहतात। त्या कार्डमुळे आमचा बराचसा फायदा झाला आहे, कारण वेळच्या वेळी पैसे भेटतात आणि त्याची जी रिसिप्ट निघती, त्या रिसिप्टमुळं आमचं बॅलन्स किती आहे, किती आम्ही पैसे विड्रॉल केलीत हे सुद्धा आम्हाला समजतं। आता माझंही बँकेत खातं आहे, माझं पण बँकेत अकाउंट आहे। युनियन बँक ऑफ इंडिया के लिए ये तो मात्र पहला कदम है। पूरे देश में इसे कार्यान्वित करने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाखों लोगों के जीवन में मुस्कान बिखेरता अग्रसर है।